खंडवा में 12 साल से बन रहा अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल अब तक अधूरा है। चंद भागीदारी से इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी, जिसकी लागत अब कई गुना बढ़ गई है। खंडवा के स्विमिंग पूल के निर्माण की शुरुआत वर्ष 2012 में करीब 1.25 करोड़ रुपए से हुई। जनता के सहयोग एकत्रित कर निर्माण शुरू हुआ था। पीडब्ल्यूडी ने काम अधूरा छोड़ा, फिर नगर निगम ने इसे हस्तांतरित कराया और इसे अंतर्राष्ट्रीय मापदंड से तैयार कराने का दावा किया। शासन से राशि स्वीकृत कराई, लेकिन अब तक करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। 12 साल बीत जाने के बावजूद भी यह स्विमिंग पूल अधूरा पड़ा है। 5 साल पहले इस निर्माणाधीन स्विमिंग पूल की छत गिर गई थी, उसके बाद इसके वाटर टैंक में भी लीकेज आने लगे। कई बार इसकी डीपीआर बदली गई। आज इसकी लागत प्रारंभिक काल से दुगनी से ज्यादा हो गई है। आमजन मांग कर रहे हैं कि जल्द स्विमिंग पूल का काम पूरा हो, ताकि तैराकी का हुनर रखने वालों को मंच मिल सके। 12 साल से स्विमिंग पूल का कार्य चल रहा है और देखने में ये आ रहा है कि ये 12 साल तो मैं समझता हूँ कि यार बेचारा कोई बच्चे ने जन्म ले लिया होगा तो 12 साल का तो हो ही गया होगा, मगर ये क्या लगा रखा है। मतलब 5-5 करोड़ रुपए सेंक्शन हो जाने के बाद भी इसकी कंडीशन यही है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, जनपद सभी, ये सब कुछ हो जाने के बाद भी एक छोटा सा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करा सकती है। कहने को तो बहुत बड़े बड़े योजना लाते हैं कि हम तो योजना वीर हैं, शिवराज मामा योजना वीर, कि हम तो ये करा देंगे। एक छोटा सा एक अपने खंडवा को सौगात मिली थी कि यहाँ के नौजवान युवा बेचारे तैराकी में कुछ नाम कमाते, कुछ आगे बढ़ते, मगर ये आज तक के ये मतलब एक जरा सा स्विमिंग पूल तैयार नहीं हो रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो बेचारे जो सामाजिक रोल लोग हैं उनका भी बहुत प्रयास किया, उन्होंने भी लाखों रुपए करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिया था, और उसके बाद भी ये कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्या किस कौन इसका जवाब दे है, कोई पता नहीं चल रहा। भाई साहब, खंडवा नगर में एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं मध्य प्रदेश शासन और नगर निगम द्वारा। कई वर्षों से ये स्विमिंग पूल अधूरा पड़ा हुआ है। उसके वजह के तौर पर हम यहाँ डेली यहाँ आते हैं गंगोर घाट पर और यहाँ स्विमिंग करते हैं। और इसमें क्योंकि पूरा शहर के युवक है, युवती है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी आते हैं सुबह सीखने। उद्देश्य यह है कि यहाँ कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि नदी है और स्विमिंग पूल अधूरा है तो काफ़ी दिक्कतें होती है। यदि स्विमिंग पूल बन जाएगा तो दुर्घटनाएं भी काफ़ी कम होंगी। पुल तो है खंडवा शहर में, लेकिन वो सब है ना निजी तौर पे है, वो केवल फीस निर्धारित है वहाँ पर। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जो निःशुल्क रूप से यहाँ निर्मित किया जा रहा था, कि हम जो सपने दिखाए गए थे खंडवा शहर वासियों को कि ये स्विमिंग पूल बनेगा, यहाँ से बड़े बड़े तैराक निकलेंगे, लेकिन अभी तक वो स्विमिंग पूल अधूरा पड़ा है। और मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इसे स्विमिंग पूल को जल्द से पूर्ण कराया जाए, ताकि यहाँ से ओलंपिक के मेडल जीत सके खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी बाहर निकले। इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष जहां इसे भ्रष्टाचार की मूर्त बता रहा है, उन्होंने कहा कि नगर निगम के राजनीति करने वाले स्विमिंग पूल के बहाने लगातार भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस यहां अनोखा विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है, अधूरे स्विमिंग पूल का फीता काट चुकी है, पुल में पानी भी भरा जा चुका और बाल्टी लेकर नहा भी चुके हैं, लेकिन हालात नहीं बदले। देखिए, ये 2012 से बनना चालू हुआ था, करीब 5 करोड़ रुपए की इसमें राशि लग चुकी थी और अभी भी शायद कुछ पैसा अच्छा बड़ा मोटी रकम इसको वापस बनाने में आई है। हमारा उद्देश्य ये है कि इतने सालों से खंडवा में 12 सालों से अगर एक स्विमिंग पूल नहीं बन पा रहा है तो इसमें किसकी गलती है। यहाँ के शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि सिर्फ क्या भ्रष्टाचार के लिए बने हुए हैं। हमने इसका मुद्दा 2017 में उठाया था कि यहाँ पर हम लोग आए थे, हमने बाल्टी से यहाँ पर स्नान करा था, हमने फिर नगर निगम चौराहा तो हमने एक कृत्रिम स्विमिंग पूल बनाकर हमने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। हमने इसको, हमारे जो भी हम विपक्ष की भूमिका निभा सकते थे, हमने इसको पूरे शहर में और ये कहीं ना कहीं कोतूल का विषय बन गया था, ये बीजेपी के गले की हड्डी बन गई थी, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। तो बड़ा दुख होता है कि खंडवा में इतनी अच्छी अगर चीज़ बन रही है और वो भी अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार करते उसमें, तो इसका दोषी कौन हो सकता है।
एक सत्ताधारी पार्टी जो 20 साल से यहाँ पर राज कर रही है, मुख्यमंत्री उनका है, 9 साल से उनका प्रधानमंत्री उनका है, वो उनके प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये खंडवा में क्या हो रहा है? यहाँ 200-200 करोड़ रुपए की पाइपलाइन खाई जा रही है, यहाँ 5-5-7-7 करोड़ रुपए के रोड 3-3 महीने में उखड़ रहे हैं, यहाँ पर तो बंदरबाट मची हुई है, यहाँ पर लूटा मार मची हुई है। जी सर, जीता जागता उदाहरण ये स्विमिंग पूल है। मेरी जब पिछले सप्ताह कमिश्नर नगर निगम से बात हुई थी, उनके द्वारा बताया गया था कि उसका काम लगातार चल रहा है, जो उसमें उसका जो बेस था उसमें कुछ लीकेज की शिकायत पहले प्राप्त हुई थी, उसके द्वारा उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है और उसकी टेस्टिंग का काम होना था, और उसका जो फिल्टर प्लांट है उसके द्वारा उसके भी शायद टेंडर लग गया था, तो उम्मीद करते हैं कि टेंडर लगने पर फिल्टर प्लांट बनते ही ये अपना स्विमिंग पूल भी चालू हो जाएगा। अभी हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है कि स्विमिंग पूल को चालू करना, जो उसका छत वाला काम है वो बाद में उसको देखा जाएगा। मतलब अगर हमारा प्लांट फिल्टर प्लांट चालू हो जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, चेंजिंग रूम बन जाता है, और जो हमारे स्विमिंग पूल का जो बेस है वो वाटर प्रूफ अगर हो जाता है, उसमें पानी रुकता है, तो हम स्विमिंग पूल को स्टार्ट कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच जिला प्रशासन का कहना है कि स्विमिंग पूल के निर्माण की मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके लीकेज को दुरुस्त कराया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की पहल खिलाड़ियों को कब तक स्विमिंग पूल की सौगात दे पाती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।